इंटरमीडिएट इंग्लिश चैनल पर खुश आमदेद। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल पर इंटरमीडिएट के इंग्लिश पेपर की मुकम्मल रहनुमाई और हेल्प वीडियोस की शक्ल में दस्तियाब हैं। हर शुदा 5 साल मारूजी पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को देखकर 90+ मार्क्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शी जेस्चर्ड वेगली। वेगली का मतलब है मुबहम अंदाज में, अनक्लियरली मुबहम अंदाज में, रैपिडली हैप्पीली स्लोली। नेक्स्ट सेंटेंस है नोकिंग हैड एनीथिंग सो वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब है कीमती, कॉस्टली। पहली ऑप्शन दुरुस्त है, पहले सेंटेंस में भी पहली ऑप्शन दुरुस्त, दूसरे में भी पहली ऑप्शन दुरुस्त। नेक्स्ट सेंटेंस है द ऑथर हैड अ वैक्सिंग ड्रीम। वैक्सिंग का मतलब है परेशान कर देने वाला, ट्रबल सम। आखिरी ऑप्शन दुरुस्त है जेंटल एप्लॉस ब्रोक आउट फ्राम एवरी हैंड। एप्लॉस का मतलब है तौसीफी तालियां, तारीफ करने के अंदाज में जो तालियां बजाई जाती हैं, क्लैपिंग। आखिरी ऑप्शन दुरुस्त है द डॉक्टर गॉट फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब है नाराज़ हो जाना, गज़बनाक हो जाना, एंग्री। दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है डिसअपॉइंटेड का मतलब है मायूस हो जाना, डिलाइटेड का मतलब खुश हो जाना। मिस्टर स्पेल्डिंग नॉड्स वेयरीली। वेयरीली का मतलब है थके हुए अंदाज में, टायर्डली। तो ये ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है हैस्टली जल्दी में, मैडली पागलों की तरह, हैप्पीली खुशी के साथ। अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग एलिमिनेट्स द डोर। एलिमिनेट का मतलब है रोशन करना, लिट अप। लिट अप का मतलब रोशन करना, रैटल का मतलब ज़ोर से बजाना। नेक्स्ट है आई एम टू गो अप इन डेस्पेयर एंड गो होम। डेस्पेयर का मतलब है मायूसी, तंग आ जाना, माइजरली। तो माइजरली वाली ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। ब्लिस का मतलब है रहमत, खुशी। नेक्स्ट सेंटेंस है द फ्रूट ग्लोड रेड हॉट फ्राम विद इन। ग्लोड का मतलब चमकना, तो स्पार्कल का मतलब भी चमकना। यही ऑप्शन दुरुस्त है, पहली ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस है आई होप द सन शाइन्स ब्राइट। ब्राइट का मतलब है साफ, क्लियरली। बादलों के बाद जब सूरज चमकता है तो उसको ब्राइट कहा गया है, और इसका मतलब है क्लियरली। तीसरी ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। अब हम आते हैं जी एमसीक्यूज़ की तरफ। व्हाट डिड द ओल्ड मैन कट विद हिज पॉकेट नाइफ, अ वेस्प ऑफ अल्फा अल्फा। तो ये ऑप्शन इसकी दुरुस्त है, पहली ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सॉ अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। तो क्या देखा, बिजली की चमक में उस औरत ने, अ मैंस फेस। पहली ऑप्शन दुरुस्त है। हु वाज नौशरवा। नौशरवा कौन था, अ किंग ऑफ पर्शिया, फारस का एक बादशाह था। डेलाज हेयर वाज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी क्वींस ज्यूवल्स एंड गिफ्ट्स। ये ऑप्शन दुरुस्त है इसके। जॉन एज अ फार्म ओनर, ये ऑप्शन इसके दुरुस्त है। अब हम आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की तरफ। द ट्रेन बिफोर वो रीच द स्टेशन। बिफोर के साथ दो फिक्रे मिलाए गए, एक पास्ट इंडेफिनेट में है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, हैड लेफ्ट। माय फादर इल फॉर अ वीक सेंस फॉर का इस्तेमाल है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल होगा। हैज़ बीन, माय फादर हैज़ बीन इल फॉर अ वीक, मेरा वालिद एक हफ्ते से बीमार है, यानी काम जारी है, उसकी बीमारी जारी है, ख़त्म नहीं हुई। माय फादर हैज़ बीन, ये आखिरी ऑप्शन दुरुस्त है। वी अ लेटर एवरी वीक, एवरी का लफ्ज बता रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होगा ये सेंटेंस। वी राइट अ लेटर एवरी वीक, हम हर हफ्ते ख़त लिखते हैं। इट टू टू मेक अ कॉल, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इट टेक्स टू
टू मेक अ क्वर्ल, ताली दो हाथ से बजती है। वुड दैट आई अ मिनिस्टर, वुड दैट के साथ वर या हैड बीन का इस्तेमाल होता है। वुड दैट आई वर अ मिनिस्टर, ये ऑप्शन इसकी दुरुस्त है।